So student, I am continuing with the structure of protein. So when we talk about the structure of protein, a protein consists of four different types of structure: primary structure, then secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. Okay, now when we learn about protein, we say that these are polymer of amino acid. These are polymer of amino acid. Okay, and in this polymer of amino acid, in this protein, we may have n number of amino acid linked with peptide bond. Keep in mind, a peptide bond is a covalent bond. Okay, so now first we will try to understand. We all know that how the protein form, that when one amino acid join with another amino acid, further join with another amino acid, when such amino acid join with each other, they form a long polymer of a structure, N-terminal and C-terminal. This polymer is basically known as a protein. Now we will try to understand what we mean by a primary structure. अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का मतलब क्या होता है. व्हाट वी मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. जब अमीनो एसिड जैसे कि मैंने उसी में बताया था कि इस प्रकार से जब बॉन्ड बनते हैं, है ना, तो दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं. अब हो सकता है यहाँ पे मैंने अभी अब हम देख लेते कितने अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे निकाले. ठीक है, ये था आपका, दिस वाज वन अमीनो एसिड, दिस वाज सेकंड अमीनो एसिड, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज थर्ड अमीनो एसिड. ओके, तो मैंने आपके तीन अमीनो एसिड जोड़ दिए. अब मैंने यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैं कितने भी अमीनो एसिड जोड़ सकता हूँ. आई कैन जॉइन एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड बना बीच का, इसको अपन ने कहा पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोला इसको? पेप्टाइड बॉन्ड. इसके बाद ये जो NH है, इसको आपने कहना अमाइड ग्रुप. क्या कहोगे इसको आप? अमाइड ग्रुप. एंड दिस बेसिकली द ग्रुप नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वी मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर. देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स जुड़े, फिर तीन अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स जुड़े. अब कितने अमीनो एसिड है यहाँ पे? वी हैव 3 अमीनो एसिड. ओके, जॉइंड विद पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस इज नोन एज पेप्टाइड, नोन एज ट्राइपेप्टाइड. ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? जब सिर्फ अमीनो एसिड ऐसे ज्वाइन हो गए एक साइड में, सी टर्मिनल, सी मतलब कार्बोक्सिल के लिए बोला, और एक साइड में एन टर्मिनल मतलब अमीनो ग्रुप के लिए बोला. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें अमीनो एसिड सीधे सीधे जुड़ गए, एक अमीनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से, ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते गए पेप्टाइड बॉन्ड से, और एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन गया जिसमें एक तरफ है सी एंड मतलब कार्बोक्सिल एंड, और एक तरफ है एन टर्मिनल. ओके, तो ये सिंपल पॉलीमर स्ट्रक्चर है ना. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ सिंपल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल पॉलीमर ऑफ अमीनो
acid. Okay, that what we call as a primary structure. This is what we call as a primary structure. Now, अब ये हुआ अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. दिस इज व्हाट अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब जब इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, इसके जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं तो कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा बहुत पहले मिटाना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे आपको पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. क्या देखते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. वी विल फाइंड आउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देखने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है. अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थे, आपने याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैव पेप्टाइड बॉन्ड. कौन से बॉन्ड थे? अमीनो एसिड के बीच में एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है. अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते. जब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाए, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाए, तब बनता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं. एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा शीट. द वन इज अल्फा हेलिक्स, द सेकंड इज बीटा शीट. ओके, नाउ जब मैं अल्फा हेलिक्स की बात करता हूँ तो किस जो आपका ये स्ट्रक्चर जो होता है, जब वो अल्फा हेलिक्स बनता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है. तो एक हो गया एन टर्मिनल, दूसरा हो गया सी टर्मिनल. यहाँ पे हुआ ये आपके अमीनो एसिड और उन अमीनो एसिड के बीच के जो है वो है आपके पेप्टाइड बॉन्ड. अब आपको ये समझ लेने का मैं पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहें. इस पर्टिकुलर पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये क्या है उसका पेप्टाइड बॉन्ड है. ये क्या है? एक अमीनो एसिड और ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड. तो हर अमीनो एसिड अपने दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड. बट इन अमीनो एसिड में साइड में भी कुछ बॉन्डिंग बनती है, ठीक है. इन अमीनो एसिड में साइड में भी छोटी छोटी क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है. देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड तो है, लेकिन इसके साथ पहला वाला अमीनो एसिड तीसरे वाले अमीनो एसिड के साथ, ये भी एक अमीनो एसिड था, तीसरे वाले अमीनो एसिड के साथ एक छोटा सा बॉन्ड बनाया. इसको क्या कहा अपन ने? हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, जिसको मैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अपन अल्फा हेलिक्स कह रहे, उसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती. क्या होती है? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है. और उसके साथ आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है और इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना, दोनों चीज़ें हैं ना. तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड और इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके कारण इसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है. क्या मिलती है इसको? स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है. इतना समझ में आया. अब दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? बीटा शीट्स. क्या होता है? बीटा शीट, ठीक है. तो बीटा शीट को मैं थोड़ा सा अलग कलर से बता रहा हूँ. अब बीटा शीट में क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये हो गया बीटा स्ट्रैंड. क्या हो गया? बीटा स्ट्रैंड. ये हो गया उसके अमीनो एसिड
और आपको तो पता है अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया उसका पेप्टाइड बॉन्ड, बरोबर। ये हो गया दूसरा बीटा स्ट्रैंड। अब आप देख पा रहे हो ये हैव टू बीटा स्ट्रैंड, ओके ठीक है। तो ये हो गया एक, अभी दो बीटा, ये हो गया बीटा स्ट्रैंड, ओके। ये भी क्या हो गया बीटा स्ट्रैंड, और दो बीटा स्ट्रैंड मिलके क्या बनती है, एक बीटा शीट। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर आपका अल्फा हेलिक्स हो गया, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स हो गया, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, बीटा शीट। अब आप इसमें देख पा रहे हो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज अवर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, ओके, कि अल्फा हेलिक्स इज एक सिंगल चेन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रही है आपको, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो साइड में दिख रही है, और बीटा शीट जो होता है वो बीटा स्ट्रैंड से बना हुआ, दो बीटा स्ट्रैंड मिलते तो ये बीटा शीट बनती, ठीक है। तो ये हो गए दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आप क्या याद रखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑफकोर्स पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है उसके साथ, बरोबर, सिंपल है। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जल्दी ही अपन इसके बारे में बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड नाउ टॉक अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो देख चुके अपन, अब क्या होता है, व्हेन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर, देन दे नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन दे नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर मान के चलो अभी ये हो गया एक अल्फा हेलिक्स, ये हो गया एक बीटा शीट, फिर से आ गया एक अल्फा हेलिक्स, ओके। अब डेफिनेटली इधर क्या होंगे आपके, अमीनो एसिड होंगे, इधर अमीनो एसिड, इधर अमीनो एसिड, है ना, इधर भी अमीनो एसिड होंगे। अभी इस अमीनो एसिड आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, कि यहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट एक साथ बॉन्ड बना लिए, क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। अब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर में बॉन्ड है वो कौन से होने चाहिए, ऑफ कोर्स दे शुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तो है फिर इसमें, ठीक है। लेकिन इसके साथ इनमें और एक प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ अ बॉन्ड फाउंड हियर, ओके, इसको कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, जैसे कि आप एक अमीनो एसिड है ये ऐसा, मतलब ये इस प्रकार का बॉन्ड रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ अमीनो एसिड है जिनमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, मैंने उसके दो नाम लिए थे, एक मेथियोनिन और दूसरा सिस्टाइन। अगर इस जगह पे मेथियोनिन है, अगर मेथियोनिन है और इस जगह पे अगर सिस्टाइन है, ठीक है, तो मेथियोनिन और सिस्टाइन का क्या होता है, जैसे कि ये मेथियोनिन का सल्फाहाइड्रिल ग्रुप और ये सिस्टीन का सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, दोनों के हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अब निकल जाने के बाद कुछ इस प्रकार से
यहाँ पे बॉन्ड बनता है, इसको अपन क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन से बॉन्ड देखे, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, ठीक है, ऊपर से ये वाला एक बॉन्ड है, इसको अपन ने क्या कहा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। कैसा स्ट्रक्चर है ये, प्रोटीन का एक्टिव स्ट्रक्चर है। बस फर्क क्या है, इसको क्या कहना है अपने को, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहना है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिला दिया जाता है। अपन यहाँ पे अल्फा हेलिक्स को और बीटा शीट को एक साथ मिला दिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड तो है, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। तो ऐसा रहा स्ट्रक्चरी स्ट्रक्चर, ओके। टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम सब यूनिट के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, सब यूनिट के नाम से जानते हैं। अब जब हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कब रहेगा, बड़ा ही सिंपल, कब रहेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर विल बी देयर, ये वाटर शेरी स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने इसको बिठा दिया। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेन टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर जॉइंड विथ ईच अदर देन दे नोन एज स्ट्रक्चर, ओके। अब सिंपल बात है, जब मैं आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर समझाऊं तो आपने क्या समझ लेना है, ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके। ये हो गया दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, मान के चलते ये हो गया आपका तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके। एक दो और तीन, तीनों टर्शियरी स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होना चाहिए। जब तीन चार टर्शियरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं तो फिर बनता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आया बात, सिंपल है। तो आज हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। डाउट अगर आपको होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।